हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू नी वीडियो उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों इससे पहले मैंने आपको जो रिव्यू दिया था एन वन का वो दोस्तों ब्लैक कलर था अभी मैं आपको स्काई ब्लू का भी कंप्लीट ब्लूटूथ वाली मॉडल का रिव्यू देने वाला हूँ आई होप ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाली है उससे पहले आपको मैं क्लियर कर दूँ वीडियो शूट कर रहा करूँ दोस्तों अरुण बजाज में जिसका मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया हुआ है एड्रेस दिया हुआ है अगर आपको कोई भी बजाज की बाइक खरीदनी तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अगर आप मेरा नाम लेंगे तो शायद आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिल सकता है सो so, आज के इस वीडियो में दोस्तों इस बाइक का कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं एंड फाइनली दोस्तों ये ब्लूटूथ वाला मॉडल है आपको बता दूँ जी हाँ फाइनली आप देख पा रहे हैं फुली डिजिटल मीटर आपको यहाँ पर मिल जाता है नेवली एन में सो so, आज के इस वीडियो में दोस्तों इस व्हीकल का कम्प्लीट रिव्यू करने वाले हैं चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अगर चैनल पर पहली बार आए है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल के कन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रह सके एंड आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इस ब्यूटी के प्राइस के बारे में आपको ये क्या प्राइस देखने को मिलती है अब जाहिर सी बात है अगर हम कोई भी चीज़ खरीदने वाले हैं ख़रीदने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये सोचना है कि भाई हमारे पास पैसा कितना है जितना हमारे पास बजट होता है जितना हमारे पास पैसा होता है उसके हिसाब से हम किसी चीज़ को डिसाइड करते हैं एक अच्छी न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि बजाज ने भाई ब्लूटूथ कनेक्टिविटी तो दिया बट इन्होंने प्राइस ज़्यादा नहीं बढ़ाया है जी हाँ पहले ये एक्सो रूम प्राइस आया करती थी वन लैख थर्टी वन थाउजेंड एक लाख इकतीस हजार रुपये ये पहले एक्सोरूम प्राइज आती थी ब्लूटूथ आने के बाद कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ टू थाउजेंड रुपीज़ प्राइज इसका इंक्रीज़ किया है मतलब अब आपको ये वन लैख थर्टी थ्री थाउजेंड एक लाख तैंतीस हजार रुपये एक्सो रूम प्राइस मिलेगी सोचो तो जो कितनी अच्छी बात है भाई कंपनी ने मतलब इतनी अच्छी फीचर दे दी और प्राइस ज़्यादा नहीं बढ़ाया तो ये चीज़ जो है मुझे अच्छी लगी है चलिए इसके रिव्यू में आते हैं सबसे पहले आपको स्पीडो मीटर ही दिखा देता हूँ ठीक है सबसे पहले आप की देख लीजिए कुछ इस टाइप की की आपको मिलेगी जिसमें आपको बजाज की बैचिंग भी मिल जाती है दोस्तों स्पीडो मीटर में फाइनली अब आपको बाइक में फुली देख पा रहे डिजिटल मीटर आपको देखने को मिल जाता है काफ़ी अच्छी बात है जिसमें आपको काफ़ी सारे जो फीचर है वो आपको देखने को मिलेंगे क्या क्या फीचर आप जान लीजिए सबसे पहले आपको टेकोमीटर मिल रहा है जिसे हम आरपीएम मीटर भी कहते हैं नॉर्मली इसे टेको कहा जाता है बट आरपीएम मीटर भी कहते हैं बट जो जनरली नॉलेज वाले लोग होते हैं ना हमेशा इसको डेकोमीटर कहते हैं साथ में इसमें आपको टाइम मिल रहा है उसके बाद दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको बीस सेंटर में स्पीडोमीटर मिलता है उसके बाद आप देख पा रहे हैं दोस्तों ये लियर इंडिकेटर है उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ओडोमीटर है और ट्रिप आपको मिल जाता है है उसके बाद दोस्तों आपको बता दूँ ये इसका स्पीडोमीटर का बटन दिया है नहीं कि कंपनी ने स्विच दिया है जिससे आप इसके स्पीडोमीटर को कंट्रोल करेंगे तो मैं इसे प्रेस करता हूँ अभी देख पा रहे रीफिल दिखा रहा है उसके बाद पल्सर ठीक है पल्सर दिखा रहा है ठीक है ये कोई चीज़ है मुझे इसके बारे में जानना पड़ेगा नाइन वन जीरो नाइन लिखा हुआ है उसके बाद आपको एवरेज फ्यूल इकोनॉमिक इंडिकेटर है डिस्टेंस टू एम इंडिकेटर है ठीक है साथ में आपको इसमें जो बी कनेक्ट है वो भी आपको देखने को मिल जाता है बट ध्यान रखिए ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के लिए आपको इनका ऐप निकालना पड़ेगा वो ऐप निकालने के बाद आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं ठीक ये आपका नया स्पीडोमीटर है सिचेज में ये पाँच चीज़ है ये स्पीडोमीटर कंट्रोलर है ये टर्न सिंगल ऐप है ये हॉर्न है यहाँ आप पे आपको इंजन पिल चीज हजार का स्विच और एक सेल्फ का स्विच आपको मिल जाता है चलिए अब आ जाते हैं दोस्तों इस बाइक के फ्रंट में जैसे मैं फ्रंट में आऊँगा सबसे पहले आपको बाइक में एल जो डियर लाइट है वो आपको देखने को मिल जाती है मेन लाइट में, में दोस्तों बाइक में आपको एल प्रोजेक्टर लाइट मिलता है मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ पास मार के यू कैन सी कि कितनी ज्यादा पावरफुल एलईडी प्रोजेक्टर लाइट कंपनी ने यहाँ पे इसमें यूज़ की है और बहुत सारे जो लोग हैं दोस्तों इसकी कंपेयर करते हैं एम टी फिफ्टीन से बट आपको क्लियर कर दूं एम टी फिफ्टीन की जो प्रोजेक्टर लाइट है वो काफ़ी छोटी है इसके कंपेयर में इसकी प्रोजेक्टर लाइट काफ़ी बड़ी है एक बार रियल लाइफ में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा मैं आपको बता दूँ तो जैसे ये एन वन सिक्सटी की है तो उसकी एम टी इतनी होगी छोटी है उसकी प्रोजेक्टर लाइट ठीक प्रोजेक्टर लाइट इसकी काफ़ी बड़ी आती है फ्रंट सस्पेंशन में आपको बाइक में टेलीस्कोपिक फॉक्स मिलेंगे और यार मुझे ऐसा लगा था जब इसमें अपडेट आएगा ना तो कंपनी इसमें भाई यू एच सस्पेंशन दे देगी ऐसे मुझे पूरी उम्मीद थी बट फिलहाल आपको टेलीस्कोपिक मिल रहा है टायर साइज में फ्रंट में आपको हंड्रेड एटी सौ के टायर साइज आपको फ्रंट में मिल जाते हैं बात करें ब्रेकिंग के बारे में ब्रेकिंग में दोस्तों स्पेशल फीचर में इस बाइक में आपको डुबल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है ये दोस्तों ए है जो कि डुबल चैनल निवेस आपको बाइक में देखने को मिल जाता है बात कर प्लेट साइज के बारे में तो फ्रंट में कंपनी ने लगभग टू नहीं थ्री हंड्रेड एम तीन सौ mm की जो प्लेट है वो आपको बाइक में फ्रंट में देखने को मिल जाती है चलिए बात कर लेते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में दोस्तों इंजन टाइप में आपको बता दू इस बाइक में आपको वन सिक्सटी का ऑयल कोल सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक ऐसा वैसे टू वॉल्यू इंजन आपको इसमें मिलता है बात करें पावर एंड टॉर के बारे में दोस्तों ये मैक्सिमम पावर में सिक्सटीन पी के आसपास की पावर जनरेट करती है एंड 16 फोर्टीन पॉइंट के आसपास का जो टॉर्क है वो आपको इस बाइक में देखने को मिलता है यानी कि जो पावर एंड टॉर्क है वो भी आपको बाइक में अच्छा मिल रहा है वन नंबर ऑफ सिलेंडर के साथ में कंपनी ने इस बाइक को डिज़ाइन किया है साथ में आपको बी एस सिक्स विथ ई ट्वेंटी नॉम्स मिलता है वॉलू सिस्टम में एसो एस इंजन मिलेगा फोर वॉलू नहीं टू वॉलू आता है इसमें पाँच गियर के साथ में आती है प्लस नॉर्मल वेट मल्टीप्लेट जो क्लच है वो आपको बाइक में मिल जाता है सो दोस्तों इस बाइक का कंप्लीट इंजन स्पेसिफिकेशन बात कर लिया माइलेज एंड परफॉर्मेंस के बारे में दोस्तों ये बाइक मिनिमम आपको लगभग फोर्टी चालीस के आसपास का माइलेज इसलिए ऑफर करती है जीरो टू हंड्रेड में इस बाइक को लगभग फोर्टीन पॉइंट फाइव सेकेंड लगता है टॉप स्पीड आपको इसकी वन ट्वेंटी से वन थर्टी किलोमीटर पर आवर के आसपास की देखने को मिल जाएगी अब आते हैं इसके रियर प्रोफाइल में सबसे पहले आपको इसकी टेल लाइट दिखाता हूँ ये देख पा रहे एल ई टेल लाइट आपको मिलेंगे टन सिंगल लैप आपको बल्ब मिलते हैं रियर में बाइक में आपको वन थर्टी सेवेंटी के टायर साइज मिलेंगे रियर में आपको बाइक में मोनोसॉक सस्पेंशन मिल जाता है प्लस दोस्तों रियर में आपको बाइक में दो सौ तीस एम की जो डिस्क प्लेट है वो आपको रियर में मिलती है ये आप देख पा रहे हैं इसमें आपको अंडर बेली एग्जॉस्ट मिलता है और आप देख पा रहे हैं फुटेज क्वालिटी भी काफ़ी सुभव है ये आपको मिलेंगे सीट में आपको स्प्लिट सीट मिलता है वन एंड टू जिसे हम दो पार्ट में सीट कहते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको पल्सर की बैचिंग मिल जाती है यहाँ पे आपको ई ट्वेंटी की बचिंग मिलती है और आप स्पीडोमीटर मीटर तो देख ही पा रहे हैं फाइनली आपको बाइक में नया ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला मीटर मिल जाता है हम काफ़ी सालों से इंतज़ार कर रहे थे कि बजाज ब्लूटूथ कनेक्टिविटी में काम करे एंड फाइनली दोस्तों वो दिन आ चुका है कि फाइनली अब आपको बाइक में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिल जाता है तो ये चीज जो है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है जो आप देख पा रहे हैं मिररर मिरर की क्वालिटी भी आपको काफ़ी सुपर मिल जाती है और भाई ये कलर का कॉम्बिनेशन देख पा रहे ये आपको काफ़ी सुपर मिलता है जब आपको ई ट्वेंटी की बैचिंग मिल जाती है बात करें इसके डायमेंशन एंड कैपेसिटी के बारे में दोस्तों इसका जो ओवरऑल लेंथ है वो आपको वन नाइन एट नाइन एम एम का मिलता है ओवरऑल जो विथ है वो सेवन फोर्टी थ्री एम एम का है ओवरऑल हाइट वन जीरो फाइव जीरो एम एम का है सीट हाइट सेवन नाइन्टी फाइव एम एम की है ग्राउंड क्लेरेंस एक सौ पैंसठ एम एम का है विल बेस इसका जो है वन थ्री फाइव एट एम एम का है वेट 154 फिफ्टी फोर के जी का फिल्टिंग कैपेसिटी आपको 14 लीटर के आसपास की देखने को मिल जाती है ब्लूटूथ का, का, वाला मॉडल है दोस्तों आपको पर्सनली ये बाइक कैसी लगी प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कंप्लीट रिव्यू कैसा लगा जरूर आप बताइएगा प्लस अगर आपको बात करनी है मुझसे तो इंस्टाग्राम में सेम नाम द समीर व्लॉग्स के नाम से आपको मैं मिल जाऊंगा आप आकर वहां पे बात कर सकते हैं सुमित करता हूं छोटी सी वीडियो अच्छी लगेगी चले ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में लव यू ऑल जय हिंद वंदे महातराम